हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं डॉक्टर साहिल रॉय और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यू कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के बीकॉम पार्ट वन के बिजनेस कम्युनिकेशन के पास्ट ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। मुझे बेहद खुशी है कि हमारे जो प्रीवियस पास्ट ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो वीडियोज हैं वो आप बहुत अच्छे से देख रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में के उन वीडियोस में यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के ही बच्चे जो देख रहे हैं उसमें 2-2 हज़ार व्यूज चला जा रहा है। मतलब आप उन वीडियोस को सीरियसली ले रहे हो और बाकायदा आप कमेंट करके भी बताते हो कि सर, जो आपने पास्ट ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे पूरा क्वेश्चन पेपर उसी में से आया। इस वीडियो को भी लास्ट तक जरूर देखिएगा। ढूंढ ढाण करके लेकर के आते हैं आपके लिए पास्ट ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बताते हैं कि भाई क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्दी हमारी एयू कॉमर्स स्कॉलर फैमिली जो है वो 50,000 की होने वाली है। बेहद खुशी है कि हमारा जो परिवार है वो 50,000 लोगों का हो जाएगा। ठीक है, आपका जो लाइक है हमारे लिए मोटिवेशन है, आपका सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन है। आइए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि भाई बिजनेस कम्युनिकेशन में पास्ट ईयर में क्या क्या सवाल पूछे गए थे। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। आपके सिलेबस में टोटल 7 चैप्टर्स हैं, तो हर एक चैप्टर में से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाएं और पास्ट ईयर क्वेश्चंस लाएं जिसे हम एक एक करके समझेंगे। ये चैप्टर वन है जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इसको तो अच्छी तरीके से आप तैयार कीजिएगा। चैप्टर वन है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, पहला क्वेश्चन 2009 में पूछा गया है कि व्हाट इज एक्टिव लिसनिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग फॉर 5 मार्क्स। ठीक है, तैयार कीजिएगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि मैं सारे के सारे क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, आप अपने सिलेबस के हिसाब से तैयार कीजिएगा। अगर एक्टिव लिसनिंग आपके सिलेबस में है तैयार कीजिएगा, नहीं है स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, अच्छा, कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर, हमने जो क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया उसमें हम इंट्रोडक्शन नहीं लिखा या कंक्लूजन नहीं लिखा, क्या इसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे? जाहिर सी बात है आपके मार्क्स कटेंगे। इसको ऐसे समझिएगा कि जब आपने लेटर राइटिंग पढ़ा था, ठीक है, तो उसका एक फॉर्मेट होता है और फॉर्मेट में अगर कोई गलती करते हैं तो उसके मार्क्स कटते हैं। वैसे ही ग्रेजुएशन में आंसर लिखने का एक फॉर्मेट है जिसमें इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखना जरूरी है, अगर आप नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन, अच्छा आप ये कर सकते हो कि टोटल 7 चैप्टर्स है ना, सबका इंट्रोडक्शन 10 से 15 लाइन का आप तैयार कर लो, सबका इंट्रोडक्शन 8 से 10 लाइन का आप तैयार कर लो। आप हर चैप्टर का एक एक इंट्रोडक्शन तो तैयार कर सकते हो ना, और जाहिर सी बात है हर चैप्टर में से कुछ ना कुछ पूछने वाले हैं वो लोग। ठीक है, तो आपका तैयार हो जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ऐसे तैयारी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 2009 में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बिजनेस कम्युनिकेशन, व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन, गिव सजेशन फॉर मेकिंग कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव फॉर 10 मार्क्स। देखिए, ये सवाल 20 या 25 नंबर में पूछा जा सकता है क्योंकि इसमें कुल मिलाकर के 3 सवाल है कि बिजनेस कम्युनिकेशन से आप क्या समझते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के ब्रेकडाउन के लिए, और एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए आप सजेशन दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन 2009 में, व्हाट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, व्हाई इज इट कॉल्ड ग्रेपवाइन, डिस्क्राइब इट्स इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस। भैया ये भी इंपॉर्टेंट है 25 नंबर के लिए क्योंकि इसमें भी 3 सवाल पूछे हैं कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इंट्रोडक्शन में बताइए कि कम्युनिकेशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन समझा दीजिए। ठीक है, फिर हेडिंग डालिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, उसे अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नॉर्मली ओरल होता है इसीलिए इसका सोर्स पता नहीं चलता। ठीक है, इसीलिए इसको हम ग्रेपवाइन कहते हैं। ग्रेपवाइन का मतलब समझिए, अंगूर का जो लतर होती है ना, अंगूर का तो पेड़ नहीं होता, लतर होता है, तो अगर आप उसको ध्यान से देखिएगा तो आपको उसका सोर्स नहीं पता चलेगा कि शुरू कहां से हुआ खत्म कहां से हो रहा है। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी वैसे ही होता है कि कहां से शुरू हो रहा है, कहां से कौन सी बात आ रही है ये पता नहीं चलता, और कहां चली जाएगी ये पता नहीं चलता। ठीक है, जबकि फॉर्मल कम्युनिकेशन हमेशा रिटन होता है और जो फॉर्मल कम्युनिकेशन करने वाला होता है वो हमेशा नीचे अपना नाम और साइन करता है, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन का सोर्स आप पता लगा सकते हैं, इनफॉर्मल का नहीं पता लगा सकते। इसका इंपॉर्टेंस बताइए और इसके लिमिटेशंस बताइए। भाई इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है, लिमिटेशंस भी होते हैं इसके, तो तैयार कर लीजिएगा, 25 मार्क्स इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन 2010 में पूछा गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कम्युनिकेशन बैरियर, डिस्कस हाउ कम्युनिकेशन कैन बी मेड मोर इफेक्टिव। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन बैरियर वाला, 8-10 तरीके के बैरियर्स होते हैं, उसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। मतलब टोटल 4 पार्ट में डिवाइडेड है, सिमेंटिक बैरियर उसके भी 3-4 पार्ट्स हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर उसके भी 3-4 पार्ट्स हैं, तो उसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, 25 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन 2010 में, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन क्रिटिकल थिंकिंग फॉर 5 मार्क्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन 2010 में, What are the barriers of effective listening for 5 marks? ठीक है, अगला क्वेश्चन 2010 में, what is communication? इस लाइन को तो तैयार कर लीजिए, इंट्रोडक्शन में तो हर चैप्टर में लिखने के काम आएगा कि कम्युनिकेशन होता क्या है। What is the significance of communication in business? ठीक है, बिजनेस में कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस क्या, सिग्निफिकेंस आप बताइए। अगला क्वेश्चन 2010 में, शॉर्ट नोट्स लिखना था लीडरशिप पे फॉर 10 मार्क्स।
2011 में एक्टिव लिसनिंग 5 मार्क्स के ऊपर शॉर्ट नोट्स पूछा गया है, ठीक है, 5 नंबर के लिए शॉर्ट नोट ही आता है। अगला क्वेश्चन 2011 में डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन ऑन डिफरेंट बेसिस, 10 नंबर के लिए। तो जो आपने कम्युनिकेशन का क्लासिफिकेशन किया है वो आप बताइए 10 नंबर के लिए। अगला क्वेश्चन 2011 में पूछा गया कि डिस्कस सम मेन बैरियर्स इन कम्युनिकेशन फॉर 5 मार्क्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन 2011 में एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, ऑल्सो डिस्क्राइब एसेंशियल्स ऑफ गुड कम्युनिकेशन फॉर 10 मार्क्स, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन 2012 में पूछा गया है कि भाई इंटरपर्सनल स्किल क्या होता है, अगर ये आपके सिलेबस में है तो 20 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, पहले 20 नंबर के लिए पूछा जा चुका है कि इंटरपर्सनल स्किल्स क्या होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न 2012 में पूछा गया है, डिस्क्राइब वेरियस चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर 20 मार्क्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, 20 मार्क्स के लिए पूछा गया है कि कौन कौन से चैनल्स होते हैं कम्युनिकेशन के। अगला क्वेश्चन 2012 में पूछा गया है कि एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन फॉर 5 मार्क्स, इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस बताइए। अगला क्वेश्चन 2012 में पूछा है, स्टेट वेरियस लीडरशिप स्टाइल्स फॉर 5 मार्क्स, ठीक है, सिलेबस में होगा तो तैयार कीजिएगा, नहीं है तो स्किप कर सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, ऑल्सो डिस्क्राइब एसेंशियल्स ऑफ गुड कम्युनिकेशन फॉर 10 मार्क्स। अगला क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है कि स्टेट वेरियस लीडरशिप स्टाइल्स फॉर 5 मार्क्स। अगला क्वेश्चन 2013 में अगेन पूछा गया कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कम्युनिकेशन बैरियर, डिस्कस हाउ कम्युनिकेशन कैन बी मेड मोर इफेक्टिव फॉर 10 मार्क्स, ठीक है, कम्युनिकेशन बैरियर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज तैयार करके जाइएगा, बहुत ज्यादा चांसेस है आने के। अगला क्वेश्चन 2013 में पूछा गया है कि व्हाट आर द बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग फॉर 5 मार्क्स, ठीक है, इफेक्टिव लिसनिंग के क्या क्या बैरियर्स हैं। अगला क्वेश्चन 2014 में स्टेट वेरियस लीडरशिप स्टाइल फॉर 5 मार्क्स। अगला क्वेश्चन 2014 में व्हाट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, व्हाई इज इट कॉल्ड ग्रेपवाइन, उसके इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस, आप देख रहे हैं ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब इंपॉर्टेंट है, मैं पहले भी बता चुका हूं इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तैयार जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन 2014 में व्हाट आर द बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग फॉर 5 मार्क्स। अगला क्वेश्चन 2014 में व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बिजनेस कम्युनिकेशन, व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन, गिव सजेशन फॉर मेकिंग कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव, रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 25 नंबर के लिए तैयार कर लीजिएगा, लॉन्ग आंसर के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन 2015 में व्हाट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, उसके फीचर्स बताइए, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी पूछा जा सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जैसे वो ग्रेपवाइन वाला पूछा था ना इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वैसे। अगला क्वेश्चन अगेन 2015 में डिस्कस द वेरियस बैरियर्स ऑफ लिसनिंग विद इलस्ट्रेशन 5 मार्क्स। अगला क्वेश्चन 2015 में इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 20 नंबर के लिए है और क्वेश्चन है कि देर आर मेनी डायमेंशंस ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर विच ब्लॉक इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है, डिस्कस द स्टेटमेंट एंड ब्रिंग आउट डिफरेंट बैरियर्स एंड द वे दे अफेक्ट कम्युनिकेशन एडवर्सली, ठीक है। अगला क्वेश्चन 2015 में व्हाट डू यू मीन बाय बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन इट्स मेरिट्स फॉर 5 मार्क्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन 2015 में इन योर व्यू आउट ऑफ वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन विच वन इज बेटर, गिव कंपेरेटिव एनालिसिस 20 मार्क्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2-3 बार रिपीट हुआ है, आगे रिपीट होगा मैं बताऊंगा आपको कि ये रिपीटेड है, ठीक है, कि अपना व्यू बताइए वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन में कौन सा बेटर होता है। तो पहले बताइए वर्बल कम्युनिकेशन, इंट्रोडक्शन में कम्युनिकेशन बता दीजिए, उसकी डेफिनेशन बता दीजिए, ठीक है, मीनिंग समझा दीजिए, फिर वर्बल कम्युनिकेशन हेडिंग डाल के उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, फिर रिटन कम्युनिकेशन डाल के उसकी हेडिंग डाल करके उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, फिर अपना व्यू पॉइंट डाल दीजिए कि कौन सा आपके हिसाब से बेटर है, ठीक है, फिर एक कंपेरेटिव एनालिसिस कर लीजिए, तो ऐसे आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन 2015 में डिफरेंशिएट बिटवीन पर्सनालिटी ट्रेट्स एंड स्किल्स फॉर 5 मार्क्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन 2016 में पूछा है व्हाट इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन फॉर 5 मार्क्स, ठीक है भाई, बहुत सारे सवाल हैं, क्वेश्चन बोलते बोलते थक गया, ये चैप्टर उनके क्वेश्चन खत्म ही नहीं हो रहे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 2016 में व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन 2016 में व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बिजनेस कम्युनिकेशन, व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन, गिव सजेशन फॉर मेकिंग कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, मैंने बताया था ये रिपीट होगा। अगला क्वेश्चन 2017 में देर आर मेनी डायमेंशन ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर, डिस्कस कीजिएगा 20 मार्क्स के लिए, कम्युनिकेशन बैरियर भी मैंने बताया था, इंपॉर्टेंट है, तैयार कीजिएगा। 2017 में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इंपॉर्टेंट है, 20 मार्क्स के लिए तैयार कीजिएगा। मतलब आप देखिए कि चैप्टर वन में से कम से कम 2-3 क्वेश्चंस तो पूछने वाले हैं वो लोग आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन 2018 में व्हाट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, उसके फीचर्स बताइए, देखिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वापस रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन अगेन 2018 में पूछा गया व्हाट डू यू मीन बाय बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है 5 नंबर में, ठीक है, तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 2018 में गिव कंपेरेटिव एनालिसिस ऑफ वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन, विच वन इज बेटर इन योर
ओपिनियन फॉर 5 मार्क्स, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है कि वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, 20 नंबर में पूछा और देखिए 5 नंबर में फिर पूछ लिया। कुछ भी पूछते हैं यार, 5 नंबर का क्वेश्चन 20 नंबर में पूछ रहे हैं, 20 वाला 5 में पूछ रहे हैं, जब आ। अब चैप्टर 2 की बात करते हैं, कम्युनिकेशन इन बिजनेस एनवायरनमेंट। पहला क्वेश्चन 2009 में पूछा है, स्टेट द जनरल रूल्स रिगार्डिंग द नोटिस ऑफ बिजनेस मीटिंग 5 नंबर के लिए। दूसरा क्वेश्चन 2010 में पूछा है, व्हाट इज अ मीटिंग, हाउ कैन अ मीटिंग बी मेड मोर इफेक्टिव फॉर 5 मार्क्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन 2010 में, व्हाट पॉइंट विल यू कंसिडर व्हाइल ड्राफ्टिंग अ प्रेस रिलीज फॉर 5 मार्क्स, ठीक है। प्रेस रिलीज को ड्राफ्ट करने से पहले कौन कौन से बातों को आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन 2012 में, व्हाट डू यू मीन बाय मिनट्स ऑफ अ मीटिंग फॉर 5 मार्क्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन 2011 में, व्हाट इज मेंट बाय एजेंडा, मीटिंग जो होती है ना वो, उसमें कोई ना कोई एजेंडा होता है, कोई ना कोई टॉपिक होता है जिसके लिए फॉर्मल मीटिंग बुलाई जाती है, ठीक है। आप एजेंडा से क्या समझते हैं और मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या होती है, इसे बताइए। एजेंडा का एग्जाम्पल दीजिए, मिनट्स ऑफ मीटिंग का भी आप एग्जाम्पल दीजिए, अगर एनुअल जनरल मीटिंग हुई है 20 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल मांग रहे हैं मतलब इलस्ट्रेशन आपसे मांग रहे हैं तो तैयार कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन 2012 में, व्हाट इज बिजनेस मीटिंग, डिस्कस रूल्स रिगार्डिंग द नोटिस ऑफ मीटिंग एंड इट गिव स्पेसिमेन। स्पेसिमेन देना बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये बिजनेस मीटिंग वाला इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा, बता ही देते हैं। अगला प्रश्न 2013 में पूछा गया था, क्या पूछा गया था, व्हाट इज मीटिंग, हाउ कैन मीटिंग बी मेड मोर इफेक्टिव, 5 नंबर के लिए तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 2014 में, व्हाट पॉइंट विल यू कंसिडर व्हाइल ड्राफ्टिंग अ प्रेस रिलीज, 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन 2015 में, व्हाट इज मीटिंग, व्हाट इज द पर्पस ऑफ होल्डिंग मीटिंग, व्हाट आर द एसेंशियल्स दैट शुड बी कंसिडर्ड टू मेक द मीटिंग इफेक्टिव। भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसमें बाप रे 3 को क्वेश्चन पूछ लिए है, पहले पूछ रहे हैं कि व्हाट इज मीटिंग, मीटिंग बताओ, ठीक है, उसके बाद पूछ रहे हैं कि पर्पस ऑफ होल्डिंग मीटिंग का पर्पस होता है कि आप मीटिंग रखते हो, ठीक है, फिर एक इफेक्टिव मीटिंग के लिए क्या क्या एसेंशियल्स इंपॉर्टेंट चीजें होती है एक अच्छे मीटिंग के लिए, तो पूरा का पूरा आपको बताना है 20 नंबर के लिए, बता ही देते हैं, बहुत है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 2015 में पूछे रहे, व्हाट पॉइंट विल यू कंसिडर व्हाइल ड्राफ्टिंग प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज को ड्राफ्ट करने के टाइम क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन 2016 में पूछा है, व्हाट इज मीटिंग, हाउ कैन अ मीटिंग बी मेड मोर इफेक्टिव फॉर 5 मार्क्स, ठीक है, तैयार कर लीजिए। 4 और क्वेश्चन है चैप्टर 2 से भैया, बहुत है क्वेश्चन पूछा है। 2017 में पूछा रहा है कि व्हाट इज अ मीटिंग, व्हाट आर द एसेंशियल्स टू मेक अ मीटिंग इफेक्टिव, इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, पहले भी पूछे जा चुका है। अगला क्वेश्चन 2017 में पूछ रहे हैं, व्हाट पॉइंट विल यू कंसिडर व्हाइल ड्राफ्टिंग प्रेस रिलीज फॉर 5 मार्क्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन 2018 में पूछ रहे हैं, व्हाट पॉइंट विल यू कंसीडर व्हाइल ड्राफ्टिंग प्रेस रिलीज, रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन 2018 में, व्हाट इज अ मीटिंग, व्हाट आर द एसेंशियल्स टू मेक अ मीटिंग इफेक्टिव फॉर 20 मार्क्स, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चैप्टर 3 रिपोर्ट राइटिंग, भैया एक ही क्वेश्चन पूछे थे 2018 में, उसके बाद लॉकडाउन लग गया रहा का समझो, व्हाट आर द स्टेप्स इन बिजनेस रिपोर्ट राइटिंग, 5 नंबर। अगला क्वेश्चन चैप्टर 4 से है, लेटर राइटिंग। अच्छा, लेटर राइटिंग का फॉर्मेट या एक सैंपल आप तैयार कर लीजिएगा, पूछ सकते हैं, क्योंकि 25 नंबर में अगर उनको पूछना होगा ना, तो आप देख रहे हैं 2 ही सवाल पूछा है 5-5 नंबर के लिए, तो आपसे पूछ लेंगे और एक सैंपल मांग लेंगे। 2017 में पूछा था कि हाउ कैन यू मेक बिजनेस लेटर इफेक्टिव फॉर 5 मार्क्स, 2018 में पूछ रहे हैं व्हाट आर द स्टेप्स इन बिजनेस रिपोर्ट राइटिंग फॉर 5 मार्क्स। अगला चैप्टर 5 है मेमो राइटिंग, एक ही सवाल है, भैया उपकार किए हैं 20 नंबर में पूछ करके, पूछे नहीं है, पहले पूछा नहीं गया है, पूछ सकते हैं 20 नंबर के लिए क्वेश्चन। एक्सप्लेन मेमो राइटिंग विथ प्रॉपर फॉर्मेट, तो मेमो राइटिंग से अगर पूछा गया तो अगेन इसमें फॉर्मेट तैयार कीजिएगा, लेटर राइटिंग में भी फॉर्मेट तैयार कीजिएगा, रिपोर्ट राइटिंग में भी फॉर्मेट तैयार कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं चैप्टर 6 जॉब एप्लीकेशन और रिज्यूमे राइटिंग के लिए। 2017 में सवाल पूछा था कि व्हाट इज द रियल पर्पस ऑफ रिज्यूमे फॉर 5 मार्क्स, ठीक है। 2018 में पूछा था कि एक्सप्लेन द एस्पेक्ट टू बी कवर्ड इन रिज्यूमे फॉर 5 मार्क्स। चैप्टर 7 में पूछा है, चैप्टर 7 है बिजनेस लैंग्वेज और प्रेजेंटेशन, इसमें पहला सवाल पूछा है कि व्हाट इज बिजनेस एटिकेट्स, ये बिजनेस एटिकेट्स हम पढ़ा चुके हैं और हमारे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा, ये 20 मार्क्स के लिए। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रेजेंटेशन एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन फॉर 20 मार्क्स, इंपॉर्टेंट है, ये प्रेजेंटेशन है पीपीटी प्रेजेंटेशन, बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके बुक में बहुत अच्छे से दिया है, तैयार कर लीजिएगा लॉन्ग के लिए। अगला क्वेश्चन ओरल प्रेजेंटेशन और उसके फीचर्स क्या होते हैं, 20 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, अगेन ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रिपीटेड है, इंपॉर्टेंट है, 20 मार्क्स के लिए तैयार कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है विजुअल एड्स और उसके टाइप्स क्या होते हैं, 20 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिलाकर के 7 चैप्टर्स में से ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है,
उम्मीद है वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बहुत मेहनत लगती है। गॉड ब्लेस यू, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।